अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका हुजूर? जी जी, ये तो हमारे दोस्त हैं। नहीं, लेकिन बाहर आप लोग जिस तरह से आए हैं, लग रहा था कि पता नहीं कौन। नहीं नहीं, ये हमारा जाति मामला, जाति मामला। आर यू श्योर? आर्मी के बंदे हैं तो वो हमारे साथ दोस्त हैं, पार्टी हो रही है हमारी। पार्टी तो नहीं हो रही, मुझे जिस दो गाड़ियाँ आई लेके आए हम। पूछ ले, नहीं नहीं, कोई सब कंट्रोल में कंट्रोल, ठीक, कोई ठीक। आप फोर्सेस से? जी जी, आर्मी से? जी, आप जी, आर्मी से, जी, 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 ठीक है। फिर अगर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। तो ये सारे आप ही के दोस्त हैं? बस ठीक। तो क्या रैंक है आपका सर? जी, रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं SSG का कमांडो हूँ। SSG कमांडो, ठीक है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, सब ठीक है ना भाई? मैंने कहा अल्लाह रहम करे कोई इशू ना आ गया हो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। किसको किसको आप? ठीक है, आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं? ये लीगल सब चीज़ ठीक है। हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो सर बताइएगा भाईजान। नहीं, मैंने कहा हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताएं। हाँ हाँ भाई, ठीक है। नहीं ना, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टे बस एक मिनट दे दीजिए, हमारे दोस्त आ जाए। लोडेड तो नहीं है? वो है, गोलियाँ हैं इसमें। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उठाकर लाया जाने वाला शख्स जिसे मार मार कर इन बदमाशों ने अधमुआ कर दिया था, जदीद अमरीकी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। पकड़े जाने के बावजूद इस शख्स का इसरार था कि ये पाक फौज का हिस्सा है और SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो भी। आप क्या बता रहे थे, क्या है आप आर्मी में? SSG कमांडो है, हाजिर सर्विस है जी। मैं दूर कहीं तैनात हूँ, जहाँ नहीं। तो यहाँ ये ऑपरेशन कैसे कर रहे थे आप? इस आदमी को कैसे उठा के लेके आए इधर हैं? ये हथकड़ी कैसे लगा के लेके आए इसको? ये दोस्त है, ये वाला जो नहीं है काशिफ। हाँ जी, इसके इन्होंने पैसे देने। आप हथकड़ी करके उठा के ले आए इसको? जी, ऐसा ही किया जी। कौन है आप? फ़खर अब्बास। आप ज़रा अंदाज़ा ये करें कि किस कदर सोफिस्टिकेटेड हथकड़ी है जो इन साहब ने रखी हुई थी। और बेचारे हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, वो एट टाइम हम देखते हैं कि वो रस्सियों से बांध के वगैरह काम चलाना है किसी ना किसी तरह से। बेहतरीन वेपन रखा हुआ है, बेहतरीन हथकड़ी रखी हुई है, बेहतरीन यूनिफॉर्म बनाया हुआ है और जनाब बने हुए हैं जाली मेजर। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाली बात ये थी कि इस शख्स के पास असलहे का जो लाइसेंस मौजूद था वो पाक फ़ौज का जारी करता था, जो फ़ौज के अफसरान को ही इशू किया जाता है। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल सर। और आपकी तैनाती कहाँ है? जी तैनाती मेरी उसमें अटक। ये आपको इख्तियार दिया किसी ने कि किसी भी शख्स को उठा के आप ले आए हथकड़ी लगा के यहाँ पे, जो है वो 1 करोड़ रुपये की रिकवरी करवाएं आप? नहीं। ये यूनिफॉर्म इसलिए दी आपको? ये ओरिजिनल यूनिफॉर्म है जी, ओरिजिनल। आपको पता है आपके साथ क्या होने जा रहा है? जिसके नाम पे आपने धब्बा लगाने की कोशिश की है, अल्लाह उसे इज्जत दे, वरना आप जैसे बदबख्त जो हैं कुछ काली भेड़े कुछ कर तो नहीं सकते ऐसे अजीम शान इदारे का। लेकिन ये कि वो इदारा आपका बहुत कुछ कर सकता है। कैमरे के सामने करें, नौकरी चली जाएगी जो मेरी। अच्छा, अभी आपको नौकरी बचाने की फिक्र है। वेपन किसका? सरकारी है? नहीं नहीं, वेपन वहीं से अलाट। इसका लाइसेंस है? इधर पड़ा हुआ, ये लाइसेंस है, ये अलाट होता है वहाँ पे अलाट के तौर पर। ये अगवा बराए तावान है? ये जिस बंदे को तुम उठा के लेके आए हो, इस कार्रवाई को क्या कहोगे सर? इसका तो मुझे बताओ ना, इतने समझदार तो तुम हो ना। है तो गलत बात, है तो गलत बात। तुम कौन लोग हो जो छोटे छोटे से अपने मफादात के लिए पूरे पूरे इदारे का या उन जवानों का जो अपनी जान हथेली पर लेके पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं उनका नाम बदनाम करते हो? इसे गिरफ्तार करके इसकी निशानदेही पर एक फ्लैट पर छापा मारा गया तो वहां से मजीद असलहा बरामद हुआ।
टीम सरेआम ने इस जाली मेजर की गिरफ्तारी के बाद अपने तौर पर कुछ तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये शख्स वाकई पाक फौज का हिस्सा था, लेकिन कुछ अरसे से नौकरी से गायब हो गया था। ऐसी सूरत में पाक फौज मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को आगाह करती है। भगोड़ा शख्स मिल जाए तो उससे पूछा जाता है कि आया वो नौकरी करना चाहता है या नहीं। अगर वो हाँ कहे तो उसे कुछ सजा देकर वापस रख लिया जाता है, वरना फौज से मुराआत और पेंशन वगैरह के हवाले से सख्त फैसले करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। इस जाली मेजर के फौज से भागने की इत्तला भी मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को पहले ही दी जा चुकी थी। टीम सरेआम की इस जाली मेजर के खिलाफ कार्रवाई की खबर ARY न्यूज पर चलने और सोशल मीडिया पर आने के बाद कुछ लोगों की राय थी कि ये शख्स हाजिर सर्विस नहीं हो सकता, और ये भी कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की फौज की आन और शान स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुमकिन नहीं, जैसा कि इसने हमें बताया था। आप फोर्सेस से? आर्मी से? आप आर्मी से? ठीक है। रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं SSG का कमांडो हूँ। SSG कमांडो? ठीक है, ठीक है। आप क्या बता रहे थे, क्या हैं आप आर्मी में? मैं SSG। SSG कमांडो हैं आप? अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल। और आपकी तैनाती कहाँ है? जी तैनाती मिल गई उसमें अटक। हम इन सवालों के जवाब हासिल करने और मजीद तहकीक के लिए एक मरतबा फिर इस शख्स से मुलाकात करने थाने पहुंचे। बड़ी तगोदो के बाद हम खुफिया कैमरों पर इस शख्स से इसकी असल कहानी उगलवाने में कामयाब हो गए। इस शख्स के वालिद रेंजर्स के ऑफिसर थे। इसने सन 2000 में पाक फौज ज्वाइन की, 2011 तक डेरा बुक्टी में तैनात रहा, और यहाँ इसे SSG कमांडोज को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स ने कमांडो ट्रेनिंग भी दी। 2011 से 2018 तक ये क्वेटा में तैनात रहा और फिर ये पाक फौज से गायब हो गया, जिसे उर्फ आम में भगोड़ा और फौज की जबान में डिजर्टर कहा जाता है। 2000 में ज्वाइन किया, 2001 में और फिर 2001 में तेरा बुटी बना। तेरा बुटी रहे कितने साल? 12 साल। और फिर क्या हुआ? फिर क्वेटा वाले साहब ने 3 महीने के लिए करवाई थी। वाले साहब मेरे रेंजेस में 1987 रेंजेस में क्या करते थे? DSR था। आप FC के कमांडो हैं? DFC के कमांडो। अच्छा, तो क्या होता है इनका काम? ये हर यूनिट में देखते हैं जो लड़के चुस्त और जवान होते हैं तो उनको लाइट कमांडो कोर्स SSG वगैरह करवाते हैं। यूनिट में एक दिन कम 3 दिन और करवा के कौन जाता है? SSG वाले करवा देता है खुद आता है जी। तो वो सिर्फ उसमें एक जंप नहीं होता और बाकी सारी बाकी सेम वही होगी। यानी आप पूरे SSG कमांडो हैं? सिर्फ जंप वो जंप क्या होता है? कुछ दोस्तों का ख्याल था कि हमें ये प्रोग्राम वसी तर मुल्की मफाद में नशर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके ख्याल में इससे पाक फौज की बदनामी होगी। लेकिन हमारे नज़दीक इस प्रोग्राम को नशर करने की 2 वजूहात थी। एक तो ये कि लोगों को तंबीह हो जाए कि कोई भी पाक फौज का नाम और रैंक इस्तेमाल करके मुजरिमाना कार्रवाई ना कर सके, और दूसरा ये कि अफवाजे पाकिस्तान ने कभी भी खुद से मुंसलिक किसी भी मुजरिम का दिफा नहीं किया। हालिया मिसाल ब्रिगेडियर रिजवान की है, जिन्हें जासूसी और गद्दारी के इल्ज़ाम में सजाए मौत तक दे दी गई और इस खबर को बाकायदा नशर भी किया गया। सो एक जाली मेजर एक शानदार तारीख रखने वाली फौज की बदनामी का कभी बायस नहीं बन सकता।